हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है टेक गुरु चैनल पे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज का भी ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर लोगों के लिए। ओके, मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी लगता है सच में यार मैं रियली इंजीनियर हूँ। मतलब मेरा ऐसा पहले कोई सपना नहीं था कि मुझे इंजीनियर ही बनना है। मेरा गवर्नमेंट जॉब का सपना था, मगर वो नहीं पूरा हो सका दोस्तों। फिर इंजीनियर फील्ड में आ गया, डिप्लोमा करी, फिर इंजीनियरिंग करी, अभी इंजीनियर। अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय किया कॉलेज लाइफ में, डिप्लोमा लाइफ में बहुत एंजॉय किया मैंने दोस्तों। आप भी करते होंगे, आपने भी किया होगा। ओके, आज की ये वीडियो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों के लिए और डिग्री इंजीनियरिंग वालों के लिए, ठीक है? सबके लिए यहाँ पे जॉब है। ओके, अभी इंजीनियरिंग में दो पार्ट आते हैं, एक होते फ्रेशर इंजीनियर्स, एक होते एक्सपीरियंस्ड। पहले मैं फ्रेशर इंजीनियर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, उनके दुबई जॉब के लिए। तो दोस्तों, फ्रेशर इंजीनियर जो होते हैं ना, उनके लिए यहाँ पे जॉब्स नहीं है। मतलब कोर जॉब्स नहीं है। मतलब आपने सिविल इंजीनियरिंग किया होगा, आपको नहीं मिलेगा जॉब यहाँ पे। फ्रेशर हो आप, मतलब अभी अभी पास आउट किया है आपको, तो जॉब नहीं मिलेगी। आपने मैकेनिकल किया है, आपने आईटी किया है, आपने कंप्यूटर्स किया है, आपने ऑटोमोबाइल किया है, आपको जॉब नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको कम से कम 6 महीना या 1 ईयर का वहाँ का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, आपको भी जॉब है। जो फ्रेशर इंजीनियर्स है ना, उनके लिए भी यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, मगर करना क्या है, उनको कोर जॉब नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको सेल्स में जाना पड़ेगा, आपको सेल्स जॉब मिल जाएगी जो, मतलब आसानी से। जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया था फ्रेशर जॉब्स के लिए क्या करना पड़ता है, सेल्स जॉब होती है, नहीं तो कोई छोटा सा कोर्स कर लो, ऑटोकैड का कर लो, या वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लो, आपको वेब डिज़ाइनर की जॉब मिल जाएगी। मगर आपको अगर आपकी कोर जॉब करनी है सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए, आईटी कंप्यूटर्स, मैं आईटी इंजीनियर हूँ दोस्तों। मैंने पहले वहाँ पे 3-5 साल एक्सपीरियंस लेके ही यहाँ पे आया था, ठीक है। फ्रेशर के लिए यहाँ पे नहीं लेते ज़्यादातर, मतलब सही है ना। मेरी खुद की कंपनी हो तो मैं फ्रेशर को क्यों जॉब करूँ, क्योंकि उसको काम ही पता नहीं है। हमारे यहाँ पे कंट्री में ठीक है, मगर यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। आपको सेल्स फ्रेशर के लिए सेल्स जॉब करना पड़ेगा। अभी जो एक्सपीरियंसड बंदे हैं, जो इंजीनियर पास आउट है, जिसके पास कम से कम 1 साल का 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है, उनको क्या करना है? ओके, तो उन दोस्तों ने क्या करना है कि अगर वो सिविल इंजीनियर्स है तो कंस्ट्रक्शन कंपनियां यहाँ पे ढूंढनी है ऑनलाइन, गूगल पे डायरेक्टली। फिर एक बार बताता हूँ कि मेरा वीडियो फर्स्ट से एंड तक पूरा देखा करिए, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, मिस मत कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है कि गूगल में अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आईटी इंजीनियर हो, जो भी है, आपको एजेंट को कांटेक्ट नहीं करना है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ओके, जैसे पहले वीडियोज में हमने बताया था कि आपको एक सीवी बनानी है, सेव, आप सीवी बना लो। इंजीनियर लोगों को पता होता है कि सीवी कैसे बनानी है, मुझको भी पता है। मेरे पास तो 10 फॉर्मेट थे उस टाइम सीवी के अलग अलग वाले। ओके, मतलब अच्छा लगता है यार दोस्तों, मतलब मेरी पुरानी यादें पूरी ताज़ा हो गई इंजीनियरिंग की। बहुत मैं सब मेरे दोस्तों को बहुत मिस करता हूँ। मेरे दोस्त थे प्रकाश, लक्की, अतुल, वीरेन, बहुत, मतलब सबको मिस करता हूँ। वो डेज बहुत अच्छे थे, गोल्डन डेज जो बोलते हैं ना इंजीनियरिंग के होते दोस्तों। मतलब पढ़ाई भी करो, आपकी मस्ती भी होती है। एक बार जॉब लग जाती है ना दोस्तों, तो इंजीनियरिंग मतलब मिस करते हैं। उस टाइम लगता है यार जॉब कब इंजीनियरिंग ख़त्म होगी, और अभी लगता है यार वो दिन तो गोल्डन थे। कभी कभी जब से मतलब दुबई आया हूँ, मेरा एक भी दोस्त को नहीं मिला हूँ दोस्तों, बहुत मिस करता हूँ। अगर आप फ्रेशर हो, अभी आप इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हो, तो बहुत मस्ती कीजिए, पढ़ाई कीजिए, इंजॉय कीजिए आपकी इंजीनियरिंग लाइफ। बाद में आपको जॉब करना ही है, सब तो है, मगर अभी अभी आपको फोकस करना है आप जहाँ पे हो उस पर, सही है। बाद में है जॉब तो करना ही है। मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी पूरी जो यादें थी ताज़ा हो गई दोस्तों।
ठीक है, मैंने भी बहुत इंडिया में बहुत कंपटीशन है, मुझको 6 महीने जॉब नहीं मिला था पहले आफ्टर माय इंजीनियरिंग। बहुत मतलब परेशानी के दिन थे। हम लोग 8 दोस्त रहते थे एक रूम में सब लोग, तो डेली मैं वॉकिंग्स के लिए जाता था, मगर जॉब का बहुत प्रॉब्लम होता था दोस्तों। उस टाइम पे जॉब ही अवेलेबल नहीं, आईटी पे रिसेशन आया था, जो कंपनियां है वो भी जॉब निकाल रहे थे लोग, प्रॉब्लम बहुत हो रही है। ठीक है चलो, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको क्या करना है कि उनकी कोर कंपनियां यहाँ पे गूगल में ढूंढनी है, और डायरेक्टली कंपनी को करियर में आपको ईमेल करना है। गलतियां मत कीजिए, सीवी में आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, आपका इंटरव्यू स्काइप या फोन पे होगा, वो लोग कंपनी डायरेक्टली आपको कॉल करती है आपके फोन पे। आपका मोबाइल नंबर जो है सीवी में वो करेक्ट डालिए, कंट्री कोड के साथ डालिए, ईमेल भी ठीक से डालिए। मैंने बहुत सारे ईमेल्स देखे हैं जिसमें सीवी में ईमेल में प्रॉब्लम करते हैं, मोबाइल नंबर फॉर्मेट में प्रॉब्लम करते हैं। आपको ये भी डालना है, पासपोर्ट डिटेल्स भी उसमें डालनी है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उसमें डाल दो, सीवी में नहीं, आप जो ईमेल भेजते हो उसमें डाल दो कि रेडी टू ज्वाइन इमिजिएटली, मतलब आप इमिजिएटली ज्वाइनिंग कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, इंडिया से ही ट्राई करो, आपके कंट्री पाकिस्तान से ट्राई करो, नेपाल से ट्राई करो, जो भी इंजीनियर्स मेरे भाई लोग हैं आप जिधर से भी हो उधर से ट्राई करो, विजिट पे आने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैंने भी ऐसे ही इंडिया से जॉब ट्राई की थी और पा लिया जॉब। पहले 2012 में भी मुझको एक जॉब आई थी, मगर सैलरी कम थी इसलिए मैंने वो ऑफर रिजेक्ट की थी। ठीक है, अभी आपको जो भी जॉब मिलती है ना आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपको एंट्री मिल जाएगी दुबई में, फिर आप चेंज कर सकते हो। आपके जो भी कमेंट्स हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, मेरा ईमेल आपके पास है, ईमेल पे आप बात कर सकते हो, मैं अभी एक्टिव हूँ। जितने सारे बंदों को मुझे हेल्प करनी है कर रहा हूँ, जब तक होती है करूँगा करूँगा, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं यहाँ पे आ गया विदाउट एनी मतलब किसी को पैसा नहीं दे के, तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है दोस्तों मुझे वीडियोज़ पे, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है आपसे बातें करके, आपको हेल्प करके। आपके और आपको कोई और वीडियो बनानी है तो कमेंट बॉक्स में वो भी डाल दीजिए, मैं उसकी वीडियोस बना दूंगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इंजीनियर्स फोकस, ट्राई ट्राई कीजिए, थकिए मत, आपको जॉब मिल जाएगी। कोर जॉब सबके लिए है, एक्सपीरियंस्ड बंदों के लिए यहाँ पे कोर जॉब अवेलेबल है, मतलब आप सिविल के हो तो सिविल के कोर जॉब अवेलेबल है, मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल हो, सब इंजीनियरिंग के लिए अवेलेबल है। सिर्फ आपको आपका एक्सपीरियंस चाहिए, फेक एक्सपीरियंस मत बनाइए, यूज़ नहीं होता है यहाँ पे। इंडिया का एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं होता है, आपको ही उसका फायदा होता है। आपको अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली काम कर सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देते, डायरेक्टली काम पे लगा देते हैं, इसलिए आपको अगर रियल एक्सपीरियंस है तो आपको उसका फायदा होगा। ठीक है चलो, मेरे दिए हुए पॉइंट्स फॉलो कीजिए, मिल जाएगा। आपके कोई कमेंट्स है ईमेल कीजिए मुझे। चलो बाय बाय।